Hi everyone, welcome and welcome back to my channel. I am Urvi and I make videos related to JEE and the competitive exams. आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं WBJEE के डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग के बारे में कि डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग कब होता है, उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है और तुमको कैसे पार्टिसिपेट करना है उसकी हम लोग एक्सपेक्टेड डेट्स की भी थोड़ी बहुत बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, तुम्हारे जितने भी डाउट्स हैं डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग से रिलेटेड वो सारे मैं एड्रेस कर दूँगी। तो क्या होता है ना यार, दो टाइप की काउंसलिंग होती है। पहली होती है तुम्हारी सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग और दूसरी होती है डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग। सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग मतलब जो वेस्ट बंगाल के बोर्ड के थ्रू होती है, जो उनका अपना ऑर्गेनाइजेशन है वो उसको कंडक्ट कराता है, और डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग टोटली कंडक्ट कराई जाती है कॉलेज के थ्रू। कॉलेज में कितनी सीट्स रिमेनिंग है उसके बेसिस पे तुम्हारी डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग होती है। अब सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग के दो पार्ट्स होते हैं, फेज़ वन एंड फेज़ टू। फेज़ वन में तुम अपना GMR मतलब कि जो तुम्हें WBJEE में रैंक आया है उसको यूज़ करके किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हो, एंड फेज़ टू में जो फेज़ वन से रिमेनिंग सीट्स हैं उसमें तुम अपना JEE का रैंक यूज़ करके एडमिशन ले सकते हो। नाउ फेज़ वन एंड फेज़ टू ख़त्म होने के बाद भी कुछ सीट्स बच जाती हैं। अब क्यों बच जाती हैं सीट्स? बिकॉज सिर्फ WBJEE का एग्ज़ाम तो है नहीं, हमारा JEE मेन का एग्ज़ाम है, JEE एडवांस का एग्ज़ाम है, BITSAT है, कॉमेट के है, तो काफ़ी सारे बच्चे WBJEE का काउंसलिंग छोड़ के वहाँ पे सीट ले लेते हैं, तो इसीलिए जो सीट्स हैं वो बच जाती हैं। अब जब ये सीट्स बच जाती हैं तब डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग कराई जाती है, एंड मोस्टली जो डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग होती है वो जब JEE का काउंसलिंग पूरा हो जाता है या फिर एंड में जाके उसकी डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग होती है। तो अगर मैं एक्सपेक्टेड डेट्स की बात करूँ तो तुम मान के चल सकते हो कि नवंबर एंड में या फिर दिसंबर के स्टार्टिंग में तुम्हारा जो डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग है वो होने वाला है। अब उसमें पार्टिसिपेट कैसे करना है, जो रिस्पेक्टिव कॉलेजेस हैं वहाँ के फॉर्म्स आएंगे और तुमको वो फॉर्म्स फिल करके उसमें पार्टिसिपेट करना है। जो डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग होती है ना वो सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस ही कंडक्ट करा सकते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस में कभी भी डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग नहीं होती है। अब डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग में भी ना राउंड वन और राउंड टू होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर कॉलेज में राउंड वन और राउंड टू दोनों हो, डिपेंड करता है कि राउंड वन होने के बाद सीट्स वेकेंट हैं या फिर नहीं। अगर सीट्स वेकेंट होती हैं तो फिर राउंड टू कंडक्ट कराया जाता है डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग का। और जो मोड ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग होता है वो हर साल चेंज होता है। अब जैसे तुम लास्ट ईयर देखोगे कि आधे कॉलेजेस में तो ऑफलाइन मोड हुआ था और आधे में ऑनलाइन मोड हुआ था, जैसे कि जादवपुर में जो है वो ऑफलाइन मोड हुआ था डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग का, तो इस साल भी ऐसा हो सकता है कि ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, वो तुमको नहीं पता, वो कॉलेज के नोटिफिकेशन आने के बाद तुमको पता चलने वाला है। अगर ऑनलाइन होगा तो सब कुछ तुमको ऑनलाइन करना है, अगर ऑफलाइन हुआ तो तुमको उस कॉलेज में जाके रिपोर्ट करना पड़ेगा, और अगर तुम रिपोर्ट नहीं करोगे कॉलेज में जाके तो तुम डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। आई होप कि तुमको डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग के बारे में डाउट्स क्लियर हुए होंगे, एंड अगर अभी भी कुछ रिमेनिंग है तो तुम यहाँ पे नीचे कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो, और अगर वीडियो में थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को। टिल देन टेक केयर, पढ़ते रहो, बाय बाय।